हाई स्टूडेंट टूडे वी स्टार्ट पेपर टू पेपर टू फर्स्ट चैप्टर दैट इज द इंट्रोड इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर तो सबसे पहला टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इसका मतलब है कि आज का जो माइक्रो प्रोसेसर है मैग्जिम आज के माइक्रो प्रोसेसर दे आर थर्टी टू बीट या सिक्सटी फोर बीट होते हैं तो वॉट इज़ माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर इज अ प्रोग्रामेबल लॉजिकल डिवाइस

खोज हुई थी मीन्स माइक्रोप्रोसेसर बनाया था तो वो उसका बेस है बेस बाद में जितने भी माइक्रोप्रोसेसर आए उसके बाद तो उसका वो बेस है बेस वहां से वो डेवलप हुआ है तो देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, तो इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर इंटीग्रेटेड सर्किट दोनों मीन्स एड इन फिफ्टी ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट खोज निकाले थे मींस ट्रांजिस्टर क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है ऐसा तरीका जहाँ पे बहुत सारे डिवाइस एक जगह पे लगा सकते हैं उसको बोलते हैं आईसी आईसी कंसिस्ट ऑफ सेवरल ट्रांजिस्टर डायोड एंड रजिस्टर ऑन सिंगल चिप मींस आईसी में होता क्या है आईसी कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिस्टर लगे होते डायड होते रजिस्टर होते दे ऑल द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यानी ऐसा तरीका जहाँ पे बहुत सारे डिवाइस छोटे से जगह पे लगा सकने की टेक्निक वो होती है आईसी में देन इन नाइनटीन सिक्सटी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं अपन एस एस आई टेक्नोलॉजी इवॉल्व इन दिस टेक्नोलॉजी द सर्किट ऑफ लॉजिक गेट वॉज इंटीग्रेटेड ऑन सिंगल चिप सेवन फोर जीरो जीरो सीरीज इज द एग्जाम्पल ऑफ एस आई एस एस आई टेक्नोलॉजी तो एस आई एस एस आई टेक्नोलॉजी मीन्स जहाँ पे कुछ डिवाइस कुछ फ्यू डिवाइस वो एक जगह पे लगा सकते हैं एक छोटे से स्मॉल एरिया में लगा सकने की टेक्निक उसको उन्होंने नाम दिया एस एस आई एज अ सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी एडवांस मोर दैन हंड्रेड गेट्स वेयर फैब्रिकेट ऑन वन सिंगल चिप्स जैसे जैसे टेक्नोलॉजी सामने बड़े नया कॉन्सेप्ट आया गेट्स तो एक छोटे से स्मॉल रेक्टेंगल चिप में दे आर फैब्रिकेट हंड्रेड गेट्स एक छोटे से एरिया में सौ से ज़्यादा डिवाइस और लगाने लगे एक छोटे से रेक्टेंगल स्ट्रिप पे तो उन्होंने उसको नाम दिया एम एस आई टेक्नोलॉजी तो हंड्रेड से ज्यादा गेट्स लगाए थे उसके बाद विद इन फ्यू ईयर इट वॉज पॉसिबल टू फैब्रिकेट मोर देन वन थाउजेंड गेट ऑन सिंगल चिप यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी सामने जाने लगी तो उन्होंने फिर एक हजार गेट से ज्यादा भी वो एक छोटे से एरिया में लगा सकते थे फिर उन्होंने उस इरा को उस पीरियड को नाम दिया लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आज के डेट में वी आर इन सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है आज के डेट में बहुत सारे उसमें एडवांस फीचर है लेकिन ये जो पहला बना था माइक्रो एट जीरो एट फाइव माइक्रो प्रोसेसर ये सबका बेस है यानी यहाँ से उसको डेवलपमेंट को डेवलपमेंट हुआ है उससे डेवलपमेंट होता है जैसे एग्जाम्पल एट जीरो एट फाइव सिर्फ चार बीट पे काम करता था जो पहले माइक्रो प्रोसेसर था वो सिर्फ चार बीट पे मींस जो भी डाटा आता था मेमोरी में चार बीट में रहता था चार बीट में ही प्रोसेस होता था लेकिन आज का जो प्रोसेसर है वो थर्टी टू बीट या सिक्सटी फोर बीट प्रोसेस करता है ओके okay? बिकॉज ऑफ एल एस आई टेक्नोलॉजी इट इज़ पॉसिबल टू बिल्ड मेनी कंप्यूटिंग फंक्शन एंड देआर रिलेटेड टाइमिंग ऑन अ सिंगल चिप अभी ये जो टेक्नोलॉजी इतना डेवलपमेंट हुआ उस वजह से बहुत सारे बहुत सारे फंक्शंस या बहुत सारे टेक्निक जो एक टास्क को परफॉर्म करते करने के लिए चाहिए टाइमिंग बोलते हैं उसको टाइमिंग एंड टाइमिंग एंड सिग्नल सेक्टर तो उन्होंने उस आईसी में इस्टेब्लिश किया था लगाया था द इंटेल फोर जीरो फोर वॉज द फर्स्ट बीट फोर बीट प्रोग्रामेबल डिवाइस दैट वॉज यूज इन कैलकुलेटर तो सबसे पहला जो आईसी है या माइक्रो प्रोसेसर है वो है फोर जीरो फोर फोर जीरो फोर जीरो जीरो फोर तो दैट आईसी या दैट माइक्रो प्रोसेसर डेवलप बाय इंटेल कंपनी और वो चार बिट पे काम करती थी यानी जो भी प्रोसेस होता था चार बिट में होता था और उसको उन्होंने कहाँ पे लगाया कैलकुलेटर में लगाया इट वॉज डिजाइन बाई इंटेल कॉरपोरेशन एंड बिकम नोन एज फोर बीट माइक्रोप्रोसेसर फिर वो जाके फोर बीट माइक्रोप्रोसेसर इंटेल फोर जीरो फोर जो माइक्रोप्रोसेसर है वो पॉपुलर हो गया फिर उस समय बाद उसी माइक्रो फोर बीट माइक्रोप्रोसेसर को इंटेल ने रिप्लेस किया एज अट बीट माइक्रो प्रोसेसर यानी अभी तक सिर्फ चार बीट का डेटा प्रोसेस होता था अभी वो आठ बीट का प्रोसेस होने लगा उसको बोलते इंटेल एट जीरो इन मिड नाइनटीन सेवेंटी द इंटेल एट जीरो एट जीरो केम इन द मार्केट एंड गेट वाइजली यूजिंग कंट्रोल अप्लीकेशन फिर उसमें बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ बाद में मार्केट में नाइनटीन में एट नाम का माइक्रोप्रोसेसर आया और वो कंट्रोल अप्लीकेशन में यूज़ होने लगा कंट्रोल अप्लीकेशन मीन्स जिससे अपन बाकी फंक्शन को बाकी मशीन को कंट्रोल करते हैं उसको बोले कंट्रोल अप्लीकेशन ठीक है जैसे इन अ... इंडस्ट्री बोलो कि बहुत बो सारी कम मशीन्स होती है एक मशीन दूसरे मशीन को कंट्रोल करती है या बाय गिविंग कमांड अप मशीन को कंट्रोल करते हैं जैसे वॉशिंग मशीन ले लो एक एक छोटा सा एग्जांपल, वॉशिंग मशीन ओवन तो उसमें अपन इनपुट देते हैं इस हिसाब से वो मशीन चलती है ऐसे ही उसको बोलते हैं कंट्रोल अप्लीकेशन्स यानी कॉन्सेप्ट नाइनटीन में आया और उसको उन्होंने यूज़ किया बाद में उसको उसको उन्होंने उससे उस माइक्रो प्रोसेसर के उन्होंने एक कंप्यूटर बनाया और उसका नाम था माइक्रो कंप्यूटर फिर उसके बाद मार्केट में बहुत सारी कंपनी आई और उन्होंने अपने माइक्रो प्रोसेसर बनाए जैसे मोटोरोला सिक्स एट जीरो जीरो जी जेड एटी इंटेल एट जीरो एट फाइव माइक्रो प्रोसेसर वे डेवलप एज द इम्प्रूवमेंट ओवर द एट जीरो यानी एट जीरो एटी जो माइक्रो प्रोसेसर बनाए उसके बाद उन्होंने बहुत सारे कंपनी ने अपने अपने माइक्रो प्रोसेसर सभी का बेस था एट जीरो एटी द सिक्स एट जीरो जीरो वॉज डिज़ाइन विदिफर आर्कीटेक्चर एंड इंस्ट्रक्शन सेट दैन दैट ऑफ एट जीरो एटी एट जीरो एटी फाइव एंड जेड एटी द वर्ड सॉफ्टवेयर कॉम्पेटिबल विथ एट जीरो एटी तो ये जो सिक्स एट जीरो माइक्रो प्रोसेसर है वो अलग आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर से बनाया और उसमें उससे एट एटी से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन सेट थी डिफरेंट आर्टिटेक्चर मीन्स बनाने का तरीका उसके मदरबोर्ड या जो भी है डायग्राम इंटरनल डायग्राम वो अलग अलग यूज़ किया अब ये जो आपने पढ़ा है दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर ठीक है कैसे ट्रांजिस्टर आया बाद में आईसी आई बाद में डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ बाद में एस एस आई टेक्नोलॉजी आई एल एस आई आई वी एल एस आई आई कैसे कैसे माइक्रोप्रोसेसर डेवलप होने लगा ये सभी है अब अपन देखते उस, उसी उसी पार्ट को अपन जनरेशन वाइज क्लासीफाई करते उसको बोलते हैं क्लासीफिकेशन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर तो उस उसी कंटेंट को उन्होंने जनरेशन वाइज देखा तो पहला फर्स्ट जनरेशन देर आर टोटल फोर जनरेशन फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन ऐसे फोर या फाइव जनरेशन है तो पहला जनरेशन